फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पर दो बाइक्स है, एक साइड खड़ा है फ्रेंड्स बिल्कुल ही ब्रांड न्यू बजाज पल्सर 125 का लेज़र एडिशन जो कि अभी कंपनी ने लॉन्च किया है, 2021 वेरिएंट है ये, जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे। और उस साइड खड़ा है फ्रेंड्स बिल्कुल ही ब्रांड न्यू हीरो ग्लैमर का 2021 एडिशन जो कि 100 मिलियन एडिशन है, जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा यहाँ 100 मिलियन की बैजिंग आपको मिल जाती है। तो आज हम इन दोनों बाइक के बीच में डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं कि क्या कुछ आपको फ्रेंड्स इन दोनों में डिफरेंस देखने को मिलता है और कौन सी बाइक आपको परचेस करनी चाहिए। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दें ताकि आपकी कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और बाइक अपडेट्स मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं दोनों के फ्रंट से। फ्रंट में आप देख सकते हैं यहाँ बजाज का लोगो मिल जाता है, वाइज़र जो है फ्रेंड्स वो आपको ट्रांसपेरेंट टाइप का मिलता है। और अगर ग्लैमर का बात करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स जिसका जो शॉर्ट वाइज़र आपको मिलता है, हीरो का लोगो मिल जाता है यहाँ पर। और दोनों में ही फ्रेंड्स फ्रंट में आपको हेलोजन में लाइट्स कंपनी ऑफर करती है, इसमें भी हेलोजन में लाइट्स मिलता है, इसमें भी आपको हेलोजन में लाइट्स मिलता है और पायलट लैंप्स भी फ्रेंड्स आपको बल्ब में मिलता है। तो कुछ इस टाइप का लुक आपको मिलता है फ्रंट से दोनों बाइक्स में। इसमें फ्रेंड्स आपको डिस्क ब्रेक मिलता है 240mm का और ये अभी हमारे पास यहाँ पर ड्रम ब्रेक वाला वेरियंट खड़ा है। अगर इस साइड से हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बिल्कुल ही न्यू स्टिकरिंग का यूज़ किया गया है इस बार, और यहाँ पर भी बिल्कुल ही न्यू स्टिकरिंग कंपनी ने इस बार ऑफ़र किया है। पल्सर का लोगो मिल जाता है स्टिकर में, आप देख पा रहे होंगे। और ये फ्रेंड्स बिल्कुल ही न्यू अभी लुक प्रोवाइड कर रहा है बाइक को। यहाँ पर आपको एक छोटा सा स्टिकर मिल जाता है, यहाँ पर जो ग्लैमर का स्टिकर है ये भी फ्रेंड्स आपको मतलब स्टिकर में ही मिल जाता है, 3D में कंपनी नहीं ऑफ़र करती है। यहाँ प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन की बैजिंग मिल जाती है, i3S की बैजिंग है, यहाँ हीरो का लोगो है और इसका इंजन आप देख सकते हैं 125cc का है, फ्यूल इंजेक्शन के साथ आता है जो कि वाइल्ड कूल्ड इंजन है। अगर हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स एग्जॉस्ट का, तो एग्जॉस्ट आप देख सकते हैं कुछ आपको इस टाइप का एग्जॉस्ट इसमें मिल रहा है। और अगर हम बात करते हैं पल्सर 125 के बारे में तो इसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो इंजन मिलता है वो 125cc का ही है, बट ये जो इंजन है ये इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटेड इंजन है, फ्यूल इंजेक्टेड नहीं है। इसमें आपको पूरा ब्लैकड आउट में फ्रेंड्स यहाँ पर मिल जाता है इसका जो एग्जॉस्ट है वो, पल्सर 125 का बैजिंग है, यहाँ हीरो का बैजिंग है। और सीट आप देख सकते हैं इसमें डुअल टोन में कंपनी प्रोवाइड कर रही है और इसमें स्प्लिट सीट आपको आ जाता है, इसमें भी सिंगल सीट वाला वेरियंट आता है, आप चाहें तो ले सकते हैं। लुक्स के मामले में कुछ इस टाइप का लुक्स मिल जाता है। अगर हम बात कर लेते हैं फ्रंट टायर का, तो फ्रंट से भी आप देख सकते हैं टायर्स को। इसमें जो है फ्रेंड्स फ्रंट में आपको 80x100 का टायर मिलता है और इसमें आपको फ्रंट में यहाँ 80x100 का टायर मिलता है। तो दोनों में ही फ्रंट में आपको 80x100 का टायर कंपनी ऑफर करती है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ग्लैमर का लोगो मिल जाता है वाइट में, यहाँ बीच का जो पैनल है वो यूज़ किया गया है, काफ़ी सारा कलर ऑप्शन इसमें आ जाता है। हीरो का लोगो मिल जाता है, ग्रैब हैंडल आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का मिल रहा है। इसका बात करते हैं तो इसमें फ्रेंड्स आपको जो है वो पल्सर का लोगो मिल जाता है, 125 की बैजिंग मिल जाती है, स्प्लिट में सीट है। और पीछे में फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आपको टेल लाइट जो है वो LED में मिलता है या बल्ब में मिलता है। टायर्स की अगर बात करते हैं रेयर का, तो रेयर में फ्रेंड्स आपको सेम यहाँ पर टायर मिल जाता है जो कि फ्रेंड्स आपको सेक्शन जो है यहाँ पर आपको दिखेगा, आप देख सकते हैं 100x80 का टायर मिलता है 18 इंच का। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जो टायर है वो भी फ्रेंड्स आपको 100 सेक्शन का ही टायर कंपनी प्रोवाइड करती है। तो लुक्स के मामले में कुछ ऐसा लुक्स आता है दोनों बाइक्स का, डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है दोनों बाइक्स में। और प्राइसिंग वगैरह का जो भी डिटेल्स है वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं, अगर होगा तो मैं स्क्रीन पर भी डिस्प्ले कर दूँगा। मीटर आप देख सकते हैं यहाँ पर एनालॉग प्लस डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जो है वो मीटर कंसोल एनालॉग प्लस डिजिटल यहाँ भी मिलता है। तो यहाँ पे डिजिटल का पोर्शन जो है वो छोटा है। इस साइड में फ्रेंड्स आपको यहाँ हाई बीम लो बीम का स्विच, इंडिकेटर्स, हॉर्न, यहाँ पर भी फ्रेंड्स आपको इंजन क्विल स्विच, इलेक्ट्रिक स्टार्ट स्विच मिल जाता है। इधर आप देख सकते हैं हाई बीम लो बीम पास, यहाँ पर आपको हॉर्न मिल जाता है, इलेक्ट्रिक स्टार्ट यहाँ पर, और i3S मिल जाता है जो कि आपको इसमें नहीं मिलता है। तो एक फ़ीचर यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है i3S का, यहाँ पर आपको 100 मिलियन की जो है वो बैजिंग मिल जाती है। और लुक्स फ्रेंड्स टैंक आप देख सकते हैं दोनों ऊपर से लगता है, इस टाइप का लुक्स देता है यहाँ पर। तो आप बताएं हमें कि कौन सा बाइक आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है दोनों में से। सीट आप देख सकते हैं, सीट की कुशनिंग काफ़ी अच्छी है आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो सस्पेंशन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स रेड कलर में कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है यहाँ पर, और इसमें आपको कुछ इस टाइप का मिल रहा है। गियर्स आप देख सकते हैं हिल एंड टो शिफ्ट के साथ आता है। तो आप बजट के हिसाब से देख लें कि आपको कौन सी बाइक जो है वो ज़्यादा अच्छा लग रही है, आपका बजट कितना अलाउ कर रहा है। ऐसे फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो दोनों ही बाइक जो है वो काफ़ी अच्छी है 125cc सेगमेंट में। और दोनों में ही फ्रेंड्स देखा जाए तो अपने बेनिफिट्स है, हीरो का जो सर्विस है वो आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है, बजाज भी काफ़ी बड़ी ब्रांड है, इसका भी जो सर्विस है वो भी काफ़ी अच्छा है पहले के कंपेरिज़न में।
इंजन आप देख सकते हैं, उसमें आपको फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिल रहा है। इसमें फ्रेंड्स आपको जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटेड इंजन मिल रहा है। इसमें आपका पेट्रोल टी मिल जाता है, उसमें आपको नहीं मिलता है पेट्रोल टी, तो ये भी आप एक डिफरेंस बोल सकते हैं। बाकी ओवरऑल में फ्रेंड्स आपकी अपनी चॉइस है, आप देख लें कि आपको कौन सा प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा पसंद है। होप करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दें, ताकि आपकी कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और बाइक अपडेट्स मिस ना हो जाए। मिलते हैं।